नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आईपीएल सीजन 12 का 42वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। लगातार 2 जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जीत की हैट्रिक बनाने के इरादे से उतरे। आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मैच में 1 रन से हराया और वह इस लय को कायम रखना चाहेगी। पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी की आक्रामक बल्लेबाजी के बावजूद आरसीबी ने 1 रन से जीत दर्ज की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। विराट कोहली की टीम अब आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करना चाहेगी। एबी डिविलियर्स और कोहली बल्ले से उतने सफल नहीं रहे और अब बड़ा स्कोर बनाने की जुगत में होंगे। पंजाब के खिलाफ पहले चरण के मैच में डिविलियर्स ने नाबाद 59 और कोहली ने 67 रन बनाए थे। डेल स्टेन के आने के बावजूद गेंदबाजी आरसीबी की कमजोर कड़ी बनी हुई है। पिछले मैच में ही धोनी ने जीत के लिए 162 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उमेश यादव के आखिरी ओवर में 25 रन बना लिए थे। वह सिर्फ 1 रन से चूक गए जब विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने शार्दुल ठाकुर को रन आउट कर दिया था। यह इस सत्र में 10 मैचों में आरसीबी की तीसरी जीत थी। कोहली एंड कंपनी इस सत्र में पंजाब के खिलाफ एक और जीत दर्ज करना चाहेगी, जो 10 अंकों के साथ तालिका में 5वें स्थान पर है। आर अश्विन की टीम को पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 रन से हराया था। अब क्रिस गेल, केएल राहुल और डेविड मिलर आरसीबी की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे। मोहम्मद शमी और अश्विन पंजाब के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं और उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। अंकित राजपूत, सैम कुरेन, हार्डस विलजॉन और एंड्रू टाय पंजाब की गेंदबाजी को गहराई देते हैं। आप कमेंट करके साझा करें कि आज कौन सी टीम मैच जीतेगी और हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।